स्वागत है आपका ताजा खबर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उसके पहले बड़ी खबर की बात करें जो खजुराहो से है। खजुराहो से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा के वरिष्ठ नेता घासीराम पटेल ने भाजपा को अलविदा कह दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता घासीराम पटेल ने भाजपा छोड़ दी है। बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। टिकट नहीं मिलने के कारण लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। बहुजन समाज पार्टी बना सकती है राजनगर से विधानसभा का प्रत्याशी, उन्हें ऐसी भी खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा के लिए एक बड़ा झटका लगा है। एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी छोड़कर दूसरे दल का हाथ थाम लिया है। टिकट नहीं मिलने के कारण लंबे समय से बताया जा रहा है नाराजगी थी, और बहुजन समाज पार्टी राजनगर से इन्हें अपना विधानसभा का प्रत्याशी भी बना सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खजुराहो से बड़ी खबर है। तो चुनाव के समय दल बदल का सिलसिला लगातार जारी रहता है, और इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता घासीराम पटेल ने भाजपा छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। घासीराम पटेल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे और टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे थे। बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और खबर है कि राजनगर से बसपा उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है, चुनावी मैदान में उतार सकती है। खजुराहो से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकट नहीं मिलने के कारण लंबे समय से नाराजगी उनकी बताई जा रही थी। तो भाजपा की एक सूची आ चुकी है जिसमें इनका नाम नहीं था, और राजनगर से अब बहुजन समाज पार्टी अपना विधानसभा प्रत्याशी इन्हें बना सकती है।